और हमारे पोर्ट वगैरह ठीक है मेजर पोर्ट्स कौन कौन से चेक कीजिए आप, आप, आप वीडियो को भी जरूर देखें अगर नहीं देखा है तो आपके चैनल की भी लिस्ट बनी हुई है आप सब्जेक्ट वाइज आप उनको भी देख सकते हो ठीक है ना तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जो कि हमारा एयरवेज ठीक है जब अगर अगर हम बात करें एयरवेज की तो देखो सबसे मेन बात है एयरवेज में सबसे पहले दिमाग में क्या आता लाइक एरोप्लेन है हेलीकॉप्टर्स है ये सब है तो इनमें आप देखोगे कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है कि आप इनसे बहुत कम टाइम पीरियड में लंबी से लंबी दूरी तय कर सकते हो पहली चीज दूसरी चीज़ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है दैट मीन्स मोस्ट कंफर्टेबल है नेक्स्ट है प्रिस्टीजियस कि आप देखते होंगे कि हमारे आसपास बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एयर ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करते हैं या फिर प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर या फिर इन सबसे ट्रेवल करते हैं ठीक है ना तो दैट मीन्स एक लग्जरी समझा जाता है अगर कोई प्लेन से ट्रैवल करता है बट अब तो फिर भी थोड़ा सा चेंज आया बट पहले क्या था प्लेन से ट्रैवल करना सबके लिए को? ये कह सकते हो उतना ज्यादा आसान नहीं होता था ठीक है तो सबसे ज्यादा बड़ी बात क्या है एक तरीके से जो एयरवेज हैं वो क्या है फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में काउंट होते हैं एयरवेज ठीक है नेक्स्ट अगर हम देखें तो एयरवेज का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप इनसे कहीं पर भी जा सकते हो दैट मीन्स डिफिकल्ट से डिफिकल्ट तेरानस एरियाज लाइक हाई माउंटेन्स है ठीक है ना इसके अलावा डेजर्टी एरियाज हैं डेंस फॉरेस्ट हैं ठीक है लॉन्ग ओशियनिक स्ट्रेचेज है दैट uh, मीन्स एक देश से दूसरे देश में ठीक है विदेशों में भी आप जा सकते हो तो आपको कहीं पर भी अगर जाना है तो आप एयर वेज के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो दैट देट कि आप देखोगे कि आपको घने जंगलों में अगर जाना है ठीक है ना जंगलों के ऊपर से तो आप जा सकते हो बट इस चीज में क्या होता था रेलवे को बनाना डिफिकल्ट होता था ठीक है ना अगर कहीं पर बहुत ज्यादा ऊंचे पहाड़ हैं तो उनके ऊपर से भी क्या कर सकते हो आप एयरवेज के थ्रू जा सकते हो लेकिन पहाड़ों पहाड़ी एरिया में क्या होता था रेलवे ट्रैक्स बनाने मुश्किल होते थे है ना तो डेजर्टी एरिया है वहां पर भी आपने देखा था कई जगहों पे जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो बनाना डिफिकल्ट है बट आप एयरवेज के थ्रू वहां भी जा सकते हो ठीक है और अगर हम बात करें विदेशों में यात्रा करने की या फिर एक देश से दूसरे देश में जाने की तो उसके लिए तो सबसे ज्यादा अगर ईजी की बात करें तो वो कौन सा है आपका एयरवेज है ठीक है आप अगर किसी और कंट्री में जाना चाहते हो तो आप ट्रेन वगैरह का यूज़ नहीं कर सकते अपने नेबरिंग कंट्रीज में चलो फिर भी हम एक पल के लिए सोच लें जो हमारे आसपास के पड़ोसी देश है कि वहाँ पे फिर भी सोच सकते हैं कि हम जा सकते हैं बट अगर हम हमें दूर देशों में जाना है लाइक यूरोपियन कंट्रीज में जाना है अफ्रीकन कंट्रीज में जाना है या फिर कहीं और भी जाना है ठीक है तो हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है एयरवेज की जरूरत पड़ती है ठीक है तो दैट मीन्स कि ये कह सकते हो कि डिफिकल्ट से डिफिकल्ट दूर से दूर प्लेस पर जाने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्लियर इसके अलावा एक और चीज क्या है अगर मैं इंडिया की ही बात करूं इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है हमारे कंट्री का कि वो राज्य जो है वहां पर जो स्टेट्स है अगर हम वहां पर देखें एक तो क्या है यहां पर क्या है बेसिकली जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं कई बार यहां पर बहुत ज़्यादा घने जंगल हैं कई बार यहां पर बाढ़ आ जाती है ठीक है या फिर जो इंटरनेशनल फ्रंटायर्स हैं दैट मीन्स कि इन सब जगहों पर जाना हम इमेजिन ही नहीं कर पाते कई बार तो दैट मीन्स हमारे लिए देखो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हो सकती हैं इन प्लेसिस पर जाना बट एयर ट्रेवल से दैट मीन्स कि एयरवेज ने क्या कर दिया है इन जगहों पर भी जाना पहुंचना आसान कर दिया है और अब यहां पर भी ट्रेवल करना और किसी भी कंडीशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रेस्क्यू करना भी आसान हो गया है ठीक है ना अगर कोई बाढ़ आती है कोई कुछ हो जाता है तो वहां पे क्या है लोगों को रेस्क्यू करना भी एयरवेज के थ्रू इजी हो जाता है ठीक है दैट मीन्स कि इसकी वजह से उन राज्यों के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी बनी हुई रहती है क्लियर इसके अलावा एटीन सॉरी नाइनटीन में क्या किया गया था जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसको नेशनलाइज्ड किया गया था ठीक है ना उसका नेशनलाइजेशन किया गया था अगर मैं बात करूं तो जो एयर इंडिया है वो क्या करता है प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही तरीके की एयर सर्विसेज देता है अगर आपको एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो भी आप एयर इंडिया की जो टिकट है वो बुक कर सकते हो फ्लाइट बुक कर सकते हो और अगर आपको किसी विदेश में जाना है किसी और इंटरनेशनल अगर आपको टिकट्स लेनी है या फिर ट्रैवल करना है तो आप इंटरनेशनली भी ट्रैवल कर सकते हो ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या है जो आपका तो जैसे एयर इंडिया है इसी तरीके से बहुत सारी जो प्रा, प्राइवेट हैं कुछ निजी भी एयरलाइन सर्विसेज हैं जो क्या करती हैं आपको एयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं जिनका कि जिनके के थ्रू आप क्या कर सकते हो ट्रेवल कर सकते हो दैट कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की ही है प्राइवेट भी बहुत सारी एयर कंपनीज हैं जो इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं ठीक है एक है आपका पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड क्या करता है एक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑयल एंड गैस जो नेचुरल गैस है ना उनके जो कॉपरेशन है ऑफिस और ऑपरेशन में उनको हेल्प करता है इसके अलावा किसी एरिया में लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कोई प्रॉब्लम है कोई बाढ़ आ जाए कोई भी समस्या है कोई डिफिकल्टी है तो वहां पर रेस्क्यू करने में किसी भी चीज़ के लिए क्या करता है उनको हेल्प करता है जो इंटरनल पार्ट्स है हमारे इंटीरियर पार्ट लाइक जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में इन सारी जगहों पर क्या है एक तरीके से पहुंचने में हेल्प करता है और अपनी जो फैसिलिटीज अपनी जो सुविधाएं वो प्रोवाइड करता है ठीक है इसके अलावा जो इंडियन एयरलाइंस की जो मैंने आपको

ठीक है और दूसरी चीज क्या है इसके लिए जो आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है ना वहां तक जाने के लिए क्या है कुछ एक स्पेशल अरेंजमेंट क्या है कुछ स्पेशल सर्विसेज क्या है स्पेशल प्रोविजन क्या है वहां पर लगे हुए हैं ठीक है ना तो वो क्या एक तरीके से जो कॉमन लोग वहां पर जाते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल सर्विसेज वगैरह वहां पर क्या एक्सटेंड की गई है ठीक है अब इसके अलावा देखें तो अब देखिए हमने, देख हमने क्या कर लिया लैंड ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया वाटर ट्रांसपोर्ट देख लिया एंड इसके अलावा हमने क्या कर लिया एयरवेज दैट मींस एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया हमने तीन टाइप पढ़ी थी अब दैट मीन्स कि हम ये देख चुके हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के एज अ लाइफलाइन अब आता है नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कम्युनिकेशन ठीक है कि जो कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में ठीक है अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की तो सालों से लोग अलग अलग तरीकों से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए आए आप देखते होंगे अगर मैं नॉर्मली कहूँ तो पहले लोग कबूतर का यूज़ करते थे ऐसा दिखाया जाता है ना मूवी में अपनी जो संदेशों भेजने के लिए घोड़ों का यूज़ करते थे ठीक है या फिर ये कहें तो ऐसा ह्यूमन बींग लोगों का भी यूज़ करते थे अपना जो संदेश है वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने के लिए ठीक है ना या फिर डिफरेंट मीन लाइक वो ड्रम्स बजाते थे तो कम्युनिकेट करने के लिए अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जाता था बट जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आ रहा है तो जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो मींस ऑफ कम्युनिकेशन है उनमें भी एक रैपिडली चेंज हमें देखने को मिलता है ठीक है देखिए कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है ये क्या करता है लोगों के बीच कितनी भी दूरी क्यों ना हो उस दूरी को कम कर देता है बिना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हिले आप क्या कर सकते हो जो कम्युनिकेटर है जो रिसीवर है उनके बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाया है ठीक है अगर मैं आज इंडिया में बैठी और मुझे इंडिया से बाहर किसी से बात करनी है तो मैं क्या कर सकती हूं सिर्फ एक फोन कॉल एक वीडियो कॉल के थ्रू उससे कनेक्ट हो सकती हूं किसी भी व्यक्ति से ठीक है या फिर अगर कोई मेरे को अपना बिज़नेस करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ इंडिया में रहकर भी अपना क्या है किसी भी कंट्री में अपना बिजनेस कर सकती हूँ सिर्फ एक फ़ोन कॉल के थ्रू अपनी जो इन्फॉर्मेशन है अपना जो मैसेज है अपना जो काम है वो अपना चला सकती हूँ समझ रहे हो तो इस तरीके से जो कम्युनिकेशन है उन्होंने उसने क्या किया है जो लोगों की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी बनाई है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो चीज़ें हैं उसको पहुँचाना आसान किया है और इसी वजह से क्या है जो कम्युनिकेशन के जो सोर्स हैं उसमें पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन दोनों ही आते हैं ठीक है पर्सनल कम्युनिकेशन के अलग एग्जाम्पल और मास कम्युनिकेशन के अलग पहले मैं आपको यहाँ पे इस यूनिट में मास कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूँ ठीक है ना कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है ठीक है अगर हम मास कम्युनिकेशन देखें तो मास कम्युनिकेशन वो होता है जिससे कि एक बार में ज्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाने के लिए उसका यूज किया जाता हो तो उसको बोलते हैं मास कम्युनिकेशन जैसे टेलीविजन है रेडियो है प्रेस है फिल्म्स हैं ठीक है ना तो इन सब का यूज क्या किया जाता है एज अ मास कम्युनिकेशन यूज किया जाता है जिससे कि आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हो ठीक है आज आप देखते होंगे कि कोई भी अगर कोई नई स्कीम आती है कोई बीमारी फैल जाती है डब्ल्यू की कोई गाइडलाइन आ रही है किसी भी बीमारी से रिलेटेड तो आपको अपने घर बैठे बैठे मिल जाती है क्यों क्योंकि वो टीवी पर आ जाती है रेडियो पर आ जाती है न्यूजपेपर में आ जाती है ठीक है ना किसी भी चीज के थ्रू आपको मिल जाती है है ठीक है इसके अलावा कोई भी मूवी है अगर वो किसी और कंट्री में रिलीज हुई है तो आप उसको इंडिया में देख सकते हो इंडिया के किसी भी मूवी को इंडिया से बाहर भी देख सकते हो तो ये क्या एक तरीके से सारे मास कम्युनिकेशन के ही सोर्स हैं जिससे आप क्या कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचा सकते हो ठीक है ऐसे ही इंडिया में क्या है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पोस्टल नेटवर्क ठीक है पोस्ट सर्विस है जिसका कि यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड में अगर हम कहें तो लार्जेस्ट नेटवर्क में आता है इंडिया का जो पोस्टल नेटवर्क है वो जो क्या करता है पार्सल्स वगैरह हैंडल करने में और जो रिटर्न कम्युनिकेशन है ना पर्सनल रिटर्न जैसे आपकी जो चिट्ठियां वगैरह है उन सबको हैंडल करने का काम इसका होता है ठीक है पोस्टल नेटवर्क कम्युनिकेशन का अब इसमें क्या होता है अब देखो पूरे इंडिया की जो डाक वगैरह है वो सब आती थी ठीक है ना तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सप्लाई की जाती हैं तो इसको क्या किया जाता है अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट क्लास में क्या है जब फर्स्ट क्लास की बात की जाती है तो उसमें मेनली कार्ड्स एंड एनवेल वगैरह को क्या किया जाता है एयर लिफ्ट के थ्रू क्या है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे भेज दिया जाता है बाय लैंड एंड एयर फिर उसको क्या है जो लोगों तक पहुंचाया जाता है ठीक है दैट मीनस फर्स्ट क्लास में कौन कौन सी कार्ड्स एंड एनवेल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजा जाता है सेकंड क्लास मेल्स में क्या है? आती है बुक आती है बुक के जो पैकेट हैं कई बार स्टडी मटेरियल भी तो पहुंचाया जाता है ना एक जगह से दूसरे जगह पर रजिस्टर्ड न्यूज पेपर है प्रियोडिकल है इन सारी चीजों को किया जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुंचाया जाता है विद द हेल्प ऑफ लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट ठीक है समझ में आया अब किसी भी चीज की क्विक डिलीवरी के लिए आप देख रहे हो वर्ल्ड के लार्जेस्ट नेटवर्क में आ रहे हैं इंडिया का पोस्टल नेटवर्क तो किसी भी चीज की क्विक डिलीवरी के लिए मेल्स को जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए इन चीजों को मेन छह मेन चैनल्स में डिवाइड किया गया तो सिक्स चैनल जो चैनल हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं हमारे इंडिया में जिसकी वजह क्या है जिसकी वजह से क्या है जो चीजें हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आसानी से और बहुत जल्दी पहुंचाई जा सके वो कौन कौन से हैं राजधानी चैनल मेट्रो चैनल ग्रीन चैनल बिजनेस चैनल प्रियोडिकल चैनल एंड बल्क मेल चैनल ये आपकी बुक में सिर्फ इनके भी नाम दिए हुए इन चैनल्स में क्या क्या है उससे रिलेटेड मैं एक शॉर्ट वीडियो ला लूंगी। अगर आपने अगर आपको जानना हो इनके बारे में तो आप वो शॉर्ट वीडियो जरूर देखें ठीक है तो ये मेन छह चैनल हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है जो डिलीवरी ऑफ मेल्स है वो जल्दी से जल्दी की जाती है ठीक है इसके अलावा अगर हम इंडिया में देखें तो टेलीकॉम नेटवर्क है ना इंडिया का वो वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क में काउंट होता है एशिया के ठीक है एशिया के सबसे बड़े टेलीकॉम नेटवर्क में आता है जैसे कि अगर हम इंडिया में बात करें टू थर्ड विलेजेस ऐसे हैं जहां पर एस टी डी बुथ वगैरह लगाए गए हैं सिर्फ एक्सक्लूडिंग अर्बन एरियाज हम अर्बन एरिया को काउंट नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स टू थर्ड विलेजेस को क्या है कवर अप किया गया है जहां पर एस टी डी बुथ लगाए गए हैं जो कि ट्वेंटी फोर आवर फैसिलिटी देते हैं जिससे कि क्या है जो लोग हैं उनके बीच में फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दैट मींस कि उनको आपस में जो बात करनी है चीजें शेयर करनी है वो कंफर्टेबली वो लोग कर सकें ठीक है आप भी पहले देखते थे आपके आसपास भी पहले एस टी डी बुथ बहुत ज्यादा थे अगर आप शहरों में रहते हो तो आज हो सकता है आपको देखने को ना मिलते हो लेकिन आज से अगर हम दस साल पहले की बात करें तो एस टी डी बुक्स का यूज बहुत ज्यादा होता था जहां से एक कॉमन रेट होता था लाइक like आपको लोकल कॉल करनी है एस टी डी कॉल करनी आई एस डी कॉल करनी है तो उसके एक रेट होते हैं ठीक है ना दैट मीन जो एस टी डी कॉल है उसका एक यूनिफॉर्म रेट रखा गया पहले ये रेट अलग अलग था ठीक है लेकिन एक यूनिफॉर्म रेट रखा गया एस कॉल का जिससे कि क्या है इस जो तरीका है ना इंफॉर्मेशन पास ऑन करने का इसको और ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा सके और आराम से लोग आपस में बातचीत कर सकें और आपस में जुड़े हुए रह सकें ठीक है दैट मीन्स ये कह सकते हो टेलीकॉम जो क्रांति है ना जो रेवोल्यूशन है इसने क्या किया लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज की है ठीक है पॉसिबल किस वजह से हो पाया है जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ है स्पेस टेक्नोलॉजी में उसकी वजह से क्या है जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है वो अब अपने आप ही काफी ज्यादा इंप्रूव हुई है जितने ज्यादा सैटेलाइट्स वगैरह हम लोगों ने लॉन्च करने शुरू किया उससे सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं ठीक है थीके? मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था मास कम्युनिकेशन के बारे में थीके? कुछ एग्जाम्पल भी बताएं आपको मास कम्युनिकेशन का एक और सबसे बड़ा यूज क्या है इससे क्या किया जाता है लोगों को एंटरटेनमेंट के सोर्स भी मिल जाते हैं और लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट किए जाती हैं रिलेटेड टू नेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज कि जो भी सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाते हैं जैसे कि अब आप देख रहे हो इस टाइम पर सबसे बड़ा तो क्या है इशू बीमारी कोविड नाइन्टीन ठीक है इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स बनते हैं जैसे आप देखते होगे कोई राशन कार्ड बनते हैं ठीक है ना लेबर कार्ड बनते हैं ठीक है लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं ठीक है ना तो इस तरीके से इसके अलावा उज्ज्वला योजना है तो ऐसे बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं जो लॉन्च करती है गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है जिससे कि लोग अपना बेनिफिट कर सकते जैसे वैक्सीनेशन के लिए आप देखते हो कोविन ऐप है जिसपे आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो तो ये सारी ही फैसिलिटी है जो मास कम्युनिकेशन में काउंट होती है जिसके लिए लोगों को जागरूक किया जाता है मास कम्युनिकेशन के सोर्स के थ्रू ठीक है टीवी रेडियो न्यूज़पेपर मैगजीन बुक्स एंड फिल्म्स के थ्रू लोगों को में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा की जाती है जैसे आज आप फिल्म्स देखते हो तो उसमें आपको एनवायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए कुछ क्या नाम है एड्स वगैरह दिखाई जाती हैं ठीक है तो ये बहुत सारी चीजें हैं इसी में क्या है इसी जर्नी में सबसे पहले अगर हम बात करें जब फोन भी नहीं थे तो एक मीन था सोर्स ऑफ मीन था जिसका यूज किया जाता था ऐसा मास कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बहुत इंडिया रेडियो दैट मीन्स हमारा आकाशवाणी ठीक है ना वो ऑल इंडिया रेडियो का यूज किया जाता था आकाशवाणी का वो क्या करता था वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स उस पर आते थे नेशनल रीजनल लोकल लैंग्वेज हर लैंग्वेज में उस पर प्रोग्राम आते थे जो कि क्या है एक तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से जुड़ा हुआ था ठीक है अलग अलग कैटेगरी के उस उसपे आप गाने भी देखते थे कहानियां भी आपको सुनने को मिलती थी ये सारी चीजें थी रेडियो के थ्रू और यहां तक कि जो मैच भी आते थे पहले तो लोग रेडियो पे ही सुनते थे ठीक है तो ये भी एक बहुत अच्छा मास कम्युनिकेशन का सोर्स है इसके अलावा आज भी लोग रेडियो सुनना पसंद करते हैं आप बहुत सारे आर्टीस को देखते हो जो कि बहुत फेमस है इस पे, ना इसके अलावा क्या है अगर हम दूरदर्शन की बात करें टीवी के मामले तो दूरदर्शन नेशनल टेलीविजन एक तरीके से सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट जो टीवी चैनल्स है ना उसमें काउंट होता है ठीक है ना तो हमारे इंडिया का जो दूरदर्शन तो क्या है एक तरीके से दूरदर्शन का भी यूज़ किया जाता है और वर्ल्ड के जो सबसे बड़े बड़े जो लार्जेस्ट नेटवर्क है ना टेलीफो टेलीविजन नेटवर्क उन सब में काउंट होता है और इस पर वेराइटी ऑफ जो प्रोग्राम्स है वो आते हैं एंटरटेनमेंट आप देखते हो नाटक भी आते हैं मूवी भी आती है पहले आप देखते थे एक एक मूवी को तीन दिन में करके दिखाया जाता था ठीक है ना रंगोली आती थी जिसपे गाने वगैरह आते थे मैच भी दिखाई जाते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी आते हैं और हर एज ग्रुप के लोगों के लिए जो प्रोग्राम्स है वो इस पर आते हैं ठीक है अब बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट मास कम्युनिकेशन का सोर्स है वो है हमारा इंडिया ऐसा है जहां पर बहुत हैं ना? अगर मैं की बात करूं, तो सौ से भी ज्यादा भाषाओं में जो अखबार है छापे जाते हैं और स्पेशली जो हिंदी है उस भाषा में बहुत ज्यादा जो अखबार वगैरह में प्रकाशित होते हैं ठीक है ना छपते हैं ठीक है तो इसके अलावा क्या है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा फिल्में बनती हैं ठीक है ना फीचर फिल्में बहुत ज्यादा बनाई जाती हैं जिसमें शॉर्ट मूवीज भी हैं वी, वीडियो फीचर फिल्म भी हैं ठीक है ना वीडियो शॉर्ट फिल्म भी है तो अलग अलग मूवीज भी बहुत सारी होती हैं जो क्या करती हैं लोगों में अवेयरनेस भी क्रिएट करती है एंटरटेनमेंट का भी काम करती हैं ठीक है थीके? अब देखते होंगे कई सारी मूवीज को लेकर ना इशू क्रिएट हो जाते हैं सर्टिफिकेशन का इशू आता है इसको ए सर्टिफिकेट है इसको बी सर्टिफिकेट है तो इस सर्टिफिकेट इशू करने का काम कौन करता है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरन फिल्म ठीक है ना दैट मीन जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म है वो क्या करता है इन मूवीज को सर्टिफिकेशन देने का काम करता है कि कौन सी मूवी कौन सी ग्रेड में आती है ठीक है तो ओवरऑल ये क्या था हमारा आज जो हमने डिस्कस किया एयरवेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी समझ में आई होगी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें